हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंफेक्चर। सो आज के इस वीडियो में हम बिहार के एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप टीचर पोस्ट के लिए जा सकते हो। सो अब बिहार में भी सीटेट या टेट के क्वालिफाई करने के बाद एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देना होता है। बीपीएससी नाम से ये एग्जामिनेशन करवाया जाता है टीचर पोस्ट के लिए इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में। सो यहाँ पे हम पेपर, सब्जेक्ट, सिलेबस, ड्यूरेशन, टोटल मार्क्स, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, अगर इसको विजिट करना चाहते हो तो बीपीएससी के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो फाइनली आपके पास कंप्लीट सिलेबस है। अब जो लोग भी वेट कर रहे थे सिलेबस का, अब आपको वेट नहीं करना है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है। एक दो चीज़ें अभी भी है जो डाउट में है, लेकिन उसको हम साइड में रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप पेपर देखो, यहाँ पे कितने पेपर आपको देने हैं। एक पेपर तो आपका होगा जिसमें लैंग्वेज देना होगा, ये क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका जनरल स्टडी है, ये दूसरा पेपर है। तीसरा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड जनरल स्टडीज होगा, जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा और जीएस देना होगा, ये थर्ड पेपर है। उसके बाद फोर्थ पेपर जो है वो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए है, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट होगा और जीएस होगा, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सबके लिए कॉमन है, अगर आप प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपको देना ही देना है, कंपलसरी आपके लिए। सो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर वन जो है उसमें दो पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन जो है उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट टू में 75 क्वेश्चंस होंगे। अब ये डाउट है कि पार्ट वन में कौन से क्वेश्चंस या कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो, पार्ट वन जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश ही देना है। तो ये जैसे कि ये पेपर लैंग्वेज पेपर है, तो पहले पार्ट में आपको इंग्लिश देना है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये सबके लिए कंपलसरी है। पार्ट टू जो है उसमें आपके पास ऑप्शन है, लाइक आप हिंदी लैंग्वेज दे सकते हैं या फिर उर्दू या बंगाली। तो ये तीन सब्जेक्ट है, तीन लैंग्वेज है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। सो इंग्लिश तो आपको देना है पेपर वन के लिए, पार्ट वन के लिए, एंड पार्ट टू के लिए आपको कोई एक सब्जेक्ट इन तीन में से ऑप्ट करना होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका जो मार्क्स है वो मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो 30% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों को मिला के 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो 100 मार्क्स में से आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तब जाके आप क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ पे मेरिट तो नहीं बनेगी, लेकिन आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद पेपर टू की बात करते हैं, जीएस, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। पेपर वन के लिए आपको अगेन 2 घंटे मिल रहे हैं। सो जनरल स्टडीज़ में भी आपके कुछ अलग अलग सब्जेक्ट है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ये प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जीएस के हैं और इसमें प्राइमरी स्कूल के लेवल पे ही आपको सिलेबस दिया गया है, तो इस लेवल की ही आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। देन पेपर थर्ड जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए है, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, तो पार्ट वन रहेगा 100 मार्क्स का, पार्ट टू रहेगा 50 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। तो पार्ट वन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट पेपर जो भी है उसमें कोई एक पेपर आपको लेना है, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। सो ये आपके क्वालिफाइंग पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंडरी स्कूल, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। सो पेपर टू जो है वो जनरल स्टडीज़ है और पेपर वन आपका खुद का सब्जेक्ट होगा। सो जनरल स्टडीज़ में आपके ये सारे पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, वही सारे हैं टॉपिक जो हमने यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए अगेन आपका खुद का एक सब्जेक्ट होगा और 50 मार्क्स का जो है वो जीएस पूछा जाएगा। सो ये सारे सब्जेक्ट्स गिवन है, इनमें से कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद जीएस के लिए वो सारे टॉपिक्स सेम रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन वो अभी नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 होगा या 1/4 होगा, कुछ भी मेंशन नहीं है। बस लिख दिया गया है कि फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी, इतना कन्फर्म है। बाकी यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज है, लाइक जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 36.5%, ये है, और यहाँ पे लाइक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल के लिए 32.32% है। सो क्वालिफाइंग परसेंट गिवन है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न गिवन है, सिलेबस गिवन है। तो इन सभी के बेसिस पे अब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट हो जानी चाहिए। लाइक आपको एक मिनट भी अब वेस्ट नहीं करना है, और पेपर वन आपका क्वालिफाइंग होगा, और इस सिलेबस से पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हो। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।